नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी जेई पे, जो कि पार्ट एन अकेडमी का। मेरा नाम है सोम डांगी और आज जो है मैं आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक सुपर शॉर्टकट फॉर डिफरेंशिएशन लेके आया हूँ, जो कि आपको डिफरेंशिएशन में बहुत हेल्प करेगा। तो बच्चों, इस वीडियो को सब लाइक कर देना, शेयर कर देना हर जगह, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये मेथड बताने आपको जब एक बार समझ में आ गया तो आप जो है विद इन 10 सेकंड जो है डिफरेंशिएशन का सवाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम जो है इस ट्रिक पे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये चीज जो है वो इंपॉर्टेंट कहाँ होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा f(x)^gx, इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है, f(x)^gx का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो हम वहां पे इस ट्रिक को काम में लेने वाले हैं, ठीक है। तो f(x)^gx का जो डिफरेंशिएशन है, एक तरीका तो क्या होता है, इसको y मान के log लेके फिर सॉल्व किया, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये ट्रिक समझ में आ गई तो आप 10 सेकंड के अंदर इसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हो। अब एक चीज याद रखना, सबसे पहली बात, दो चीजें आपको यहां पे आनी चाहिए। एक तो a^f(x) का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो a^f(x) का या फिर a^x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a^x (ln A), ये आप लोगों को आता होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। एक तो ये डिफरेंशिएशन याद रखना है, एक आपको ये भी आना चाहिए x^n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n(x)(n-1)। ये दो डिफरेंशिएशन आते हैं। तो f(x)^gx का डिफरेंशिएशन जो है तुम विद इन 10 सेकंड लिख सकते हो। अब समझो इस मेथड को, इस मेथड में क्या होगा, ठीक है। f(x)^gx का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो यानी बेस में भी x है और पावर में भी x है, ठीक है। तो यहां पे ये दोनों चीजें हमें लगानी पड़ेंगी, a^x भी लगाना पड़ेगा और x^n, ये दोनों तरीका एक साथ लगाना पड़ेगा। एक बार इसके हिसाब से डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार इसके हिसाब से कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, f(x)^gx इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले तो तुम क्या मानोगे, इसको a^x के फॉर्म में मान लो, ठीक है। यानी ये तो हो गया, a कांस्टेंट हो गया और पावर में x आ गया, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो a^x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हो, a^x (ln A), ठीक है। तो a^x ऐसे कैसे आ गया, ln A, यानी ln किसका आ जाएगा, a का, और a किसको माना तुमने, f(x) को माना, ठीक है। फिर क्या करते हो, x का डिफरेंशिएशन करते हो यानी पावर का डिफरेंशिएशन करते हो, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, यहां पे पावर को किसको माना तुमने, gx को, तो gx का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, g(x) आ गया, ठीक है। a^x मान के कर लिया, अब एक बार क्या करोगे, x^n मान के इसको सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। अब x^n का डिफरेंशिएशन याद होगा आप लोगों को क्या होता है, n(x)^n-1। तो यहां क्या होगा, इसको तो मैंने x बोल दिया, ठीक है, और ये पावर हो जाएगी n, तो क्या डिफरेंशिएशन होगा, n आगे आएगा, तो gx आ गया आगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x^n-1, तो x कौन है, f(x), और पावर क्या हो जाएगा, n-1, तो gx-1 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, अब x^n का डिफरेंशिएशन करते हो तो पहले इसका कर दिया, फिर x का भी करते हो तो मल्टीप्लाई में 1 आता है। यहां पे x कौन है, लेकिन f(x) है, तो f(x) का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, f(x) आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है, क्या करना है बच्चों, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, f(x)^gx का डिफरेंशिएशन करना है तो दो तरीके से करना है तुम्हें, एक बार तो इसको a^x मान लो और एक बार x^n मान लो, ठीक है। एक बार a^x मान के डिफरेंशिएट कर दो, ये कर दिया, फिर प्लस x^n मान के कर दो, ये कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, 10 सेकंड के अंदर आप जो है डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हो, ठीक है। एक तो एग्जांपल मैं आपको यहां पे बताता हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है x^sin x का डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, x^sin x का डिफरेंशिएशन निकालना। तो देखो, एक लाइन के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमने मान लिया इसको a^x, तो a^x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a^x (ln A), तो यहां पे a कौन है, x है, ठीक है। a^x क्या हो गया, a^x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a^x (ln A), फिर x किसको माना तुमने, इसको, तो इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos x हो गया, ठीक है। फिर आएगा प्लस, तो फिर आएगा प्लस, a^x मान के कर दिया, अब कर दो x^n मान के, तो अब हमने इसको x^n मान लिया, तो x^n का डिफरेंशिएशन कितना होगा, n(x)^n-1, तो n कितना हो गया, sin x आगे आ गया, मल्टीप्लाई में कितना आएगा, x^n-1, यानी sin x^n-1 बन जाएगा। फिर x^n माना है, तो यहां पे x कौन है, x ही है, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा। तो ये हो गया x^sin x का डिफरेंशिएशन। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था। तो इसमें एक पार्ट तो ये हो गया, अगला जो आएगा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, x^x का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है, x^x का, तो फिर से वही आ गया, f(x)^gx आ गया। तो पहले क्या करोगे, a^x मान के करोगे, तो a^x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a^x, यानी ये ऐसे कैसे आ गया, ln A, तो a यहां पे कौन है, x आ गया, ठीक है। a^x मान के कर दो, तो a^x क्या आ गया, a^x (ln A) आ गया, मल्टीप्लाई में कितना आएगा, a^x, यानी x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब करेंगे x^n मान के सॉल्व,
तो अब ये बन गया x की पावर n, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n into x की पावर n माइनस वन, तो ये बन जाएगा x into x की पावर x माइनस वन, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x की पावर n था तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं करना। अब इसमें से कॉमन ले लो, तो यहाँ देखो x की पावर x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर देखो सॉल्व करके तुम देख सकते हो कितना बच जाएगा, एल एन एक्स प्लस वन। तो ये विद इन 10 सेकंड हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है। तो उम्मीद आप लोगों को ये ट्रिक बहुत ही अच्छी समझ में आएगी। इस वीडियो को लाइक करना हर जगह पे, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बहुत है इतना, टाटा बाय बाय, फिर एक ट्रिक और लेके आएंगे हम। टाटा बाय बाय।